बुद्धे प्रदाम शारदम् बुद्धे प्रदाम शारदम् येनाक्षरसमामनाय मदिगाम्य महेश्वर कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनेये नमः तस्मै पाणिनेये नमः शांति 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 नम शिवाय तस्यादित उदात मर्द ह्रस्व बोलिए मर्द ह्रस्व तस्यादित उदात्ता मर्द ह्रस्व जो स्वरित होगा ना उसका पूर्वार्ध और था मात्रा का नहीं नागेश के अनुसार बाकी क्या होगा अनुदात तो होगा नहीं और बटोज दीक्षित के अनुसार आधा आधा फिफ्टी फिफ्टी नहीं नहीं हर्ष हो तो आधी आधी मात्रा होंगे और दीर्घ हो तो एक एक तो हो तो डेढ़ डेढ़ ठीक है लेकिन कब उच्चारण होगा पर में क्या कहा उदात्त तो हो तो अथवा क्या हो तो स्वरुदात तो हो तो है ना स्वरित के पर में उदात्त तो हो अथवा क्या हो स्वरित हो जो स्वरित होगा पूर्व का उनमें जो अनुदात्त है उसका श्रवण होगा उत्तरार्ध जो है ठीक है तो उसके बाद आया अग्नि मिले तो इसमें जो कहा था अह्य में है ना ये जो अह्य है यहाँ पर तो नियत प्रत्यय है क्या प्रत्यय है नियत प्रत्यय है तो एक एक समाधान हो गया तो वहां पर जो वृद्धि नहीं हुई ना गणित मान करके अतोपदा से क्या होनी थी वृद्धि होनी थी तो वहाँ पर क्या कहा था संज्ञापूर्वक विधि अनित्य है ठीक है हाँ तुम्हारा क्या नाम है कि आयुष है ना? ये पेज नंबर सोलह था जो वृद्धि होनी थी कि नहीं किस किस सूत्र से औतोपाधाय से वृद्धि होनी थी और वृद्धि नहीं हुई क्योंकि ये संज्ञापूर्वक का जो विधि होती है वो अनित्य होती है इसका ज्ञापक है कोई बता सकते हो इसका ज्ञापक क्या है संज्ञा पूर्वक विधि अनित्य होती है इसका ज्ञापक का कौन है भोम चंद जी बताइए इसका ज्ञापक कौन है और गुणा क्या सूत्र और गुणा उ क्या करता है गुण करता है यदि ऊ को गुण करोगे तो उकार को क्या होगा ओ हो जाएगा तो पानी ने गुणा ना, तो ना बोल कर क्या ये ओत ना बोल करके क्या कह दिया गुणा बोल दिया समझ में आया ये गौरव हो रहा है गुणा उच्चारण करने से गौरव हो रहा है इसलिए संज्ञापूर्वक विधि अनित्य होती है समझ में ना इसलिए कहीं कहीं जो है गुणा नहीं होता है कहीं कहीं और गुणा सूत्र नहीं लगता है जैसे देखो स्वयं भूवह इदम ऐसा करेंगे स्वयं भूव इदम स्वयं भू से परे तस से इदम सूत्र से अण प्रत्यय करोगे क्या करोगे लिखो स्वयं भू आगे अण का अ दीर्घ दीर्घकार है स्वयं भू आगे क्या है अण का अ अण प्रत्यय हुआ कि सूत्र से तत्म तत्म है न ये जगत स्वयंभू के लिए है स्वयंभू का है स्वयंभू परमात्मा का है है न तो स्वयंभू का सृष्टि वजन क्या बनता है स्वयं नहीं होता है स्वयंभुआ तो आगे अण का अ है हाँ यहाँ पर क्या सूत्र लगना चाहिए स्वयंभू के ऊ कोई बताया था ना और गुणा और गुणा सूत्र से स्वयंभू के ऊ को क्या होना चाहिए था क्योंकि उवर्ण्त कौन है स्वयंभू का उ... स्वयंभू हो गया उन्त है ना क्या होना चाहिए था इसको गुणा आदेश होना चाहिए था गुणा यदि करोगे तो स्वयं भू के ओ को क्या हो जाता है ओ हो जाता है ओ ओ के बाद क्या है ओ तो क्या संधि होती है अरे यण का एचो एचो एक को होगा भाई एच ओ जाओ से ओ को क्या हो जाता है अब हो जाता है तो क्या बन जाता है स्वयं भव क्या बन जाता है स्वयं भव लेकिन स्वयं भव नहीं बनता है है ना उभंग आदेश होता है क्या आदेश होता है उभंग आदेश हो जाएगा अचित सुन तो सूत्र से उभंग हो जाएगा हाँ हाँ उससे उभंग हो जाएगा तो स्वयं भूव बनता है क्या बनता है ना? स्वयं भुव वचन में स्वयं भुवम सजमाया कि नहीं आया इसलिए संज्ञापूर्वक जो विधि होती है वो अनित्य होती है ये सब होता है पकड़माया कि नहीं आया ये हो गया आगे चलो अग्नि मील अग्नि मिले शब्द आया क्या आया अग्नि मिले इत्यादि उदात श्रुति अग्नि मिले में जो है ये पहला हो गया अग्नि शब्द अग्नि शब्द अंतोदात होता है है ना अग्नि शब्द क्या होता है अंतोदात होता है अंगेर न लोपश्च ये गुणादि सूत्र है अंग धातु से है ना नी होगा और उपधा जो नकार है ना उसका लोप हो जाएगा तो बन जाएगा अग्नि अंगेर न लोपश्च ठीक है तो अग्नि शब्द क्या हुआ अंतोदात्त हो गया है द्वितीय अंत में क्या प्रत्यय होता है द्वितीय में वचन में अम होता है नहीं जो अग्नि प्लस अम अग्नि प्लस जो अम होगा ठीक है ना तो पूर्व गया कामी पूर्व से है ना पूर्व गया तो अग्नि बन गया तो अग्नि में ये इकार है ना अंत है ये ठीक है ना जी। उसके बाद जो आया ई ईले शब्द आया पहले क्या था ईडे ईडस्तुतो धातु होता है क्या धातु होता है ईडस्तुतो स्तुति अर्थ में ईड़ धातु होता है ठीक है लड़ लगा के प्रथम एक पुरुष प्रथम प्रथम पुरुष, प्रतम पुरुष ये क्या बनेगा ई डे ईडे क्या है तिगंत है लिखो ईडे डे तिगंत है हो गया ईडे ईडे में कितना ऑच है ईडे में कितने ऑच है दो ऑच है ई कार आगे ए कार है बीच में गड्ढा कार तो ये जो दोनों ऑच है ई कार और एकार, ए कार ये दोनों क्या हो जाएंगे अनुदात्त हो जाएंगे न? दोनों अनुदात्त हो जाते हैं एक सूत्र है तिंग तिंग सूत्र है तिंग तिंग आठ दो अट्ठाईस हो खोलिए आठ दो अट्ठाईस आगे पीछे होगा देखो आठ दो अट्ठाईस नहीं मिला टिंगा तिंगा क्या हो गया आठ दो अट्ठाईस नंबर देखो ना देखो। दे लाओ मेरे को दो नंबर गलत है क्या पीछे इसका नहीं होता है। इसका क्रम जो इधर होता है ना इधर देखने पता लग जाएगा कौचा प Hmm. एक मैं दो बोल दिया आठ एक अट्ठाइस है आठ एक अट्ठाइस है आठ एक अट्ठाइस <coughs> तो तीन तिंग है तिंग तिंग है ना तो देखो ये तिंग तिंग है ना हाँ ये ती के बाद कितने गॉँव है दो गाँव है तिंग गिंग पहला गया हो गया तीन आगे अतिंग ह संधि करो तीन प्लस अतिंग नहीं उसको गलत नहीं लिखा है केवल संधि के लिए बोल रहा हूँ तीन प्लस अतिंग हो ठीक है पहला जो तिंग है वो प्रथमांत तो हो गया ठीक है दूसरा अतिंग है हो गया तिंग प्लस अतिंग ये अतिंग के को क्या होगा आयुष वो तो है लेकिन संधि क्या होगी और जाएगा तिंग में गौकार है गमो हस्व दमो नित्यम से गुटा को नहीं होगा किसको ग को नहीं होता औच को होता है अ को होगा किसको होगा औच को तीन प्लस अतिंग में जो है ना गौकार के पर में अ है कि नहीं उस अ को गूट आगम होगा तो इसलिए तो अ के पहले गौकार के बैठ जाएगा हुआ कि नहीं हुआ क्या हुआ बोमा चौधरी समझ में अभी है न इसलिए तिंग प्लस अतिंग ऐसे ही विच्छेद होगा ठीक है देखो अतिंग है ना मतलब तिंग से भिन्न तिंग से भिन्न मतलब अतिंग हुआ ये जो अग्निम है ना तो अग्निम सुबंत की तिंगंत है सुबंत अतिंग हुआ अतिंग से परे तिंगंत कौन है ईडे उसमें जितने भी अच्छ हैं सब अनुदात हो जाते हैं क्या हो जाते हैं सब अनुदात इसलिए जो ईडे में जो इकार और एकार है दोनों क्या हो गए बोलो दोनों अनुदात्त हो गए सर्व अनुदात्त हो गए, ठीक है हम्म फिर उसके बाद हम्म एक सूत्र है उदात्तात अनुदात्य स्वरित है ना? उदात्तात अनुदात्य सरितः तो इसलिए क्या होगा अग्नि में उदात था ना? इसलिए ईडे में जो इकार है ईडे में जो ईकार है वो क्या होगा हाँ वो सरित हो जाएगा ईडे में जो दीर्घ इकार है ना, वो क्या होगा स्वरित हो गया इतना आया हम्म उसके बाद उसके बाद लिखा है तो नहीं देखो अग्नि मिले थी इकारा इकार स्वरित इकार स्वरित हो गया ठीक है किस सूत्र से हुआ उदात्तात अनुदात से स्वरित से स्वरित हो गया आया हाँ और ले में जो एकार है हाँ ये जो अंतिम जो एकार है ना वो संहिता होने के कारण है ना? वो जो एकार है अंतिम में वो प्रचय होता है क्या होता है प्रचे। वो प्रचय उस प्रचय को कहते हैं एक श्रुति प्रचय कहो एक श्रुति कहो है देखो तत्त्व बधनी में ले इति तो प्रचय एक एकश्रुति रीति स्वर प्रक्रिया मूल एव स् भविष्य मिला कि नहीं हाँ ये जो लेह में जो एक है ना अंतिम है वो प्रचय का अपर पर्याय है एक श्रुति बोलते हैं मतलब उदात्त भी नहीं होगा अनुदात्त भी नहीं होगा बस ऐसे ही रहेगा वो सुनते हो भाई क्या ना उदात्त होगा ना होगा इसको कहते हैं प्रचय अथवा एक अश्रुति एक श्रवण एक श्रवण मतलब क्या ना उदात्ता है ना अनुदात्त है ये सब शब्द होते हैं भाई ऐसे क्लिष्ट शब्द का प्रयोग किया है तत्विकार ने ठीक है तो इसलिए सरिता संहितायाम अनुदाता नाम ये बालोमा दिया है देखो सरिता संहितायाम अनुदाता नाम इति एक प्रचय हो पंद्रह नंबर पृष्ठ में है कि नहीं देखो जी। मिला जी। नहीं मिला अरे मोटे में दिया ना अग्नि मिले के नीचे देखो दूसरी पंक्ति में सरिता संहितायाम अनुदाता नाम इसको कहते है प्रचय अंतिम में जो होगा ना प्रचय हो जाएगा ये कहाँ पर स्पष्ट होगा स्वर प्रक्रिया में तत्व में देखो ये स्वर जो प्रक्रिया आएगी ना वैदिक प्रक्रिया में वो मूल में ही स्पष्ट हो जाएगा मूल एवं स्फुटी भविष्य तत्व में दिया है ठीक है <laughs> तो लेकिन यो धा शब्द तो ईडे है शब्द क्या है अग्नि की स्तुति कर रहा है लेकिन नहीं ईड हो स्तुति अर्थ में बीच में डोकार है ईडे में धातु क्या है ईड धातु वो तो डोकार है लकार हुआ कैसे है कि नहीं तो एक नियम है दो स्वर के मध्य में ये डोकार होगा वो तो लकार हो जाता है वेद में हैं? दो स्वर के बीच में यदि डोकार हो वो तो क्या होता है लकार हो जाता है ठीक <laughs> है दयोः चास्य स्वरयोर्मध्ये लिखो दयोः चास्य स्वरयोर्मध्ये मध्यमेत्य दयोः चास्य स्वरयोर्मध्ये मध्यमेत्य संपद्यते संपद्यते स डकारो लकारः स डकारो लकारः हो गया आप लोग लिख रहे हैं राजू तो अरे समझ आप पहले लिखो समझ में आएगा पहले लिखोगे समझ में आएगा क्या लिखा भे द्वयोचास्य सरयोर मध्य मध्यमेत्य मध्य संपद्यते संपद्य लकारा ठीक है लिखा हम्म दो स्वर के मध्य में हाँ आ करके संपन्न होने वाला डकारा क्या दो स्वर के मध्य में आ करके संपन्न होने वाला रहने वाला डकार लकार होता है हो गया दो स्वर के मध्य में आकर के रहने वाला डकार लकार होता है हो गया क्या होता है लकार होता है अब तो दो स्वर कौन है देखो ई डे ई कार और में क्या है एकार है बीच में डकार है कि नहीं बीच में डकार है कि नहीं डकार क्या होगा लकार हो जाता है इसलिए क्या होगा अग्नि मीले मिले अग्नि मिले ये वैदिक प्रक्रिया में ऐसा होता है अब समझ में आया जी डॉक्टर जी बोलो समझ में आ गया ना <laughs> दो स्वर कौन है स्वर मतलब अजवर्णा हाँ बीच में डकार है डोकार को लोकार हो गया बस ऐसा कहा जा रहा है लौकिक प्रक्रिया में नहीं होगा वैदिक प्रक्रिया में होता है सब ठीक है लौकिक प्रक्रिया हो तो अग्नि मिले होगा और वेद में तो अग्नि मिले हो गया अग्नि की स्तुति कर रहा है ये तत्पर आगे बढ़े चलो बहुत से बहुत दिन हो गया इसी में लगे थे <laughs> उदात्त अनुदात्त शरीत में इसलिए लेकिन हुआ क्या ये जो अग्नि मिले है ना ये जो ई है दीर्घ इकार ये स्वरित है कि नहीं है स्वरित है कि नहीं ले में जो एकार है वो क्या है उदात उदात ये उदात्त हो अथवा तो स्वरित हो तब तो होगा उच्चरण क्यों ऐ है? है कुछ पर में उदात्त अथवा सरित नहीं है नहीं है नहीं होने से ये जो इकार है वो उसमें जो स्वरित में जो उत्तरार्ध क्या होता है अनुदात्त होता है तो अनुदात्त का श्रवण होगा बोलो स्वरित हो के पर में क्या वर्णन होना चाहिए उदात्त हो अथवा स्वरित उदात्त भी नहीं रहा स्वरित भी नहीं होगा समझ में नहीं है ये किसका श्रवण होगा अनुदात्त का श्रवण होगा नहीं, नहीं होगा किसका श्रवण होगा उदात्त का ही श्रवण होगा क्योंकि शरित में दो धर्म कि नहीं पूर्व में उदात्त है और उत्तरार्ध में अनुदात्त अनुदात्त का श्रवण कब होगा हाँ यहाँ उदात्त भी नहीं है और क्या नहीं है श्वरित भी नहीं है तो किसका उच्चारण होगा अनुदात्त नहीं होगा तो उदात्त का होगा बस इतनी बात है ठीक है इसलिए क्लिष्ट है ना इसलिए लोगों को मुझे कार ने इसको छोड़ दिया उदात्त तो उदात्तम इसको देखें तो पढ़ते लोग सब छोड़ देंगे सब संज्ञा प्रकरण में ही सब भाग जाएंगे <laughs> स नवा विधोपी बोलो कहाँ है चौदह नंबर है चौदह नंबर पेज में देखो ऊपर स नवा दो पी। बोलो प्रत्येकम अनुनासिक नुनासिकवाभ्याम द्विधावाभ्याम द्विधा स्व कहने से स्वर वर्ण जो वर्ण है नौ प्रकार नौ प्रकार कैसे हुआ मालूम है नौ? नौ प्रकार कैसे हुआ मालूम है कैसे हुआ पहले क्या संज्ञा हुई प्लुत फिर प्लोता शरीर उदात्ता उन्द शरी किसके हुए हाँ हर्ष दीर्घ प्र सभी के हुए ले तीन तीन हो गए न तीन गुना तीन नौ हो गए हम्म ये लेकर नवाविध नौ प्रकार होने पर भी प्रत्येकम प्रत्येकम मतलब नौ में से कोई भी हो सभी हुए नहीं एक, एक करके दो धर्मों से युक्त होंगे औनाशिकत्व और और अनुनासिकत्व दो धर्मों से युक्त होने पर कितने हो जाएंगे अठारह हो जाएंगे क्या हो जाएंगे अठारह हो जाएंगे तो अठारह का अठारह का नाम कैसे होगा अठारह का नाम कैसे होगा कोई एक एक कर बोल सकते हैं अनुनाशिक उदात अनुनाशिक हाँ इसी प्रकार से बैस आप दीर्घ का बोलो विष्णु जी दीर्घ क्या बोलो बोलो

छे नहीं होंगे गुना तीन अठारह होंगे समझ में <laughs> आया नहीं आया किसी पे कैसे होंगे नहीं नहीं केवल दीर्घा का बोली कैसे बोलेंगे आगे

प्रुत अनुदात अनुनासिक हूं प्रुत अनुदात अनुनासिक हूं हूं प्रुत स्वरित अनुनासिक हूं प्रुत स्वरित अनानासा हां इसी प्रकार करना है <coughs> ठीक है ये लो 18 हो जाएंगे 18 हो जाएंगे सब मिलाकर के अच्छा लेकिन ये जो आपने कहा अनुनासिका ननुनासिकत्वाभ्याम द्विद लेकिन का क्या है ये ज्ञान नहीं है तो वाक्यार्थ का बोध होगा नहीं होता है भेद का ज्ञान कैसे होगा फिर है इसको कहते हैं अनुनासिक घटित वाक्यार्थ का, का बोध नहीं होगा क्या नहीं होगा ये जो वाक्य है सन विद्योपी इसमें घटक अनुनासिक है घटक जानते हैं क्या होता है घटक घटक बोलते हैं अवयव को घटक अवयव को बोलते हैं ठीक है और घटित किसको कहते हैं अवयवी समुदाय को बोलते हैं ये पारिभाषिक शब्द है घटक होता है अवयव अरे घटित होता है क्या अवयवी समुदाय ठीक है जैसा राम शब्द देखो सुनो क्या बोलो राम शब्द रेप घटित है न? राम शब्द रेप घटित है अरे एक वचन के बाद नहीं कह रहा मैं राम शब्द रेप घटित है रेप वर्ण से घटित है कि नहीं रेप किसका घटक हुआ हाँ रेप शब्द राम घटक क्या रेप रेफ वर्ण राम घटक मतलब राम शब्द का घटक है और घटित कौन हुआ राम शब्द जो समुदाय है किससे घटित हुआ रेफ वर्ण से घटित हुआ इतना समझ में ऐसा है ठीक इसी प्रकार से ये समुदाय जो वाक्य है ना सनविधोपी किससे घटित है औनासी से घटित है घटित है कि नहीं है तो घटक कौन है अनुनासिक है कि नहीं है हाँ ये वाक्य का जो अवयव जो अनुनाशिका है उसका यदि ज्ञान नहीं है, है तो ये भेद को बोध करने वाला जो वाक्य है कैसे करेगा बुद्ध ऑटर प्रकार भेद बोलते हैं ना ये कौन स नोपी इसलिए आगे कहते हैं मुखनाशिका वचनो अनुनासिक बोलो मुखनाशिका बचनो अनुनाशिक आप तो लघु पढ़े हो कितने पद है उसको बताने की जरूरत नहीं सब तो प्रौढ़ विद्यार्थी है सब तो कितने पद है सूत्र में हुँ? कितने पद है बुमा चेतन जी सूत्र में कितने पद है तीन पद है अच्छा <laughs> दो ही पद है तीन पद क्यों होगा मुखनाशिका वचन प्रथमा एक बचन वचन ठीक है <laughs> देखो प्रत्याहार में प्रत्याहार में ईद बनने का ग्रहण नहीं होता है हैं? प्रत्याहार में क्या ईद बनने का ग्रहण नहीं होता है इसमें क्या हेतु है पहला हेतु क्या है आचारात, आचारात।, आचारात। शिष्टाचार <laughs> ये शिष्टाचार है औ नाशिकसिक में जो ककार है ये ककार रिलरिक में है रिल रिक सूत्र में क्या कह रहे हो ककार रिलरिक में है कि नहीं जी। ककार यदि प्रत्याहार में गृहित हो जाता तो ककार ऑच प्रत्याहार में आता कि नहीं आता है हुँ? आता आता तो ककार ऑच में आ गया है, है? और ककार के पूर्व में क्या बनना है इकार है तो क्या सूत्र लग जाता ई कोण लग जाता है ना? इससे ज्ञापित होता है कि प्रत्याहार में किसका क्रण नहीं होता है ईद वर्णों का ग्रहण नहीं होता है समझ में आया कि नहीं अच्छा तो वृत्ति पढ़ लेते हैं पहले मुख सहित नासिकोचार्य मणो बोलो वर्णो औनाशिक संज्ञ सियात ये वृत्ति है ये वृत्ति दिया है ना मुख सहित ये मुखनाशिका वचनों का विग्रह नहीं है भावार्थ दिया है फलितार्थ दिया है है ना देखो तो कैसे होगा फिर समास समास इस प्रकार का होगा एक एक करके आपको बताना पड़ेगा तब होगा मुखे न संहिता है हाँ इति सहिता पहले बनाओ है ना Hmm. मुखे न संहिता ठीक है संहिता मुख संहिता मुख क्या जानते हो मुख क्या है स्थान उच्चरित स्थान लेना है है स्थान तालु वगैरह सब कहेंगे है न और मुखे ना सहिता मुख सहिता कर दिया फिर नासिका के साथ समाज करो मुख सहिता नासिका ये मुख नासिका तो किसका लोप हो गया सहिता का लोप हो गया किसका लोप हो गया सहिता पद का लोप हो गया हुं? जानते हो आइयोस किससे कैसे लोप हो गया शाका पार्थिव बोलो उस नम ये वार्तिक है उससे सहित शब्द का लोप हो गया तो सहित का लोप हो गया तो क्या बन गया मुख नासिका क्या बन गया मुख बन गया ठीक है कि नहीं तो तब दिन में देखो सोलह नंबर है मुखम च नासिका च विग्रह ऐसा यदि विग्रह कर दोगे है ना जैसे पहले विग्रह बताया ना ऐसा ना करके मुखम च नासिका आचा थे बिगड़े ऐसा यदि कर देंगे तो क्या होगा दंत समाज हो, हो जाएगा ना तो क्या होगा दंत समाज हो जाने पर हम जानते हो क्या हो जाएगा है तो ये आ, एक वचन हो जाएगा दंदश्च प्राणी तुरय सेनांगान है कि नहीं लोगों में सूत्र दंदश्च प्राणी तुर्य सेनांगान हो गया ये सूत्र से क्या होगा संहार धंधा होकर के एक वचन हो जाएगा नहीं और स नपुस्तक से नपुस्तक हो जाता है हो जाता है कि नहीं हो जाता है इसलिए वो विग्रह नहीं करना है वही विग्रह करना जो पहले बताया मुखिता इति मुखो सहिता फिर सहिता नासिका ये मुख नासिका नाशिका सहित शब्दों का लोप कर दो यही यहाँ पर कहा तत्व तो 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 में देखो मुखम च नासिका च यति विग्रह प्राणी अंगत्वा, क्योंकि शरीर का अंग है ना ये मुख भी नाचिका भी तो एक वाद भाव एक वाद भाव हो जाता किससे अये बताए ना द्वंद प्राणी तोर्यसेनांगा न हाँ तो क्या शब्द बन जाता मुखो क्या बन जाता मुखनासीक सै मूल में मुखसइिता ठीक है नासिकयो उच्चारे फलितार्थ था कथनमीद ये जो वृत्ति में दिया है मूल में जो है ना वो सूत्र का फलित अर्थ दिया बिग्र नहीं नासिका का बिघ्र नहीं दिया है बिग्रह तो ये ब... अलग बता दिया फिर वचन जानते हो क्या वचन मुख सहित नासिका वचन है बचना? मुखो मुखो बचना ना वचन जानते हो क्या है देखो लिखा उच्चते अनि वचन तत्वनी में सोलह नंबर पृष्ठ नीचे वचन बोल दिया वचन उच्चते अन वचनम मतलब क्या हुआ जिसके द्वारा वर्ण का उच्चारण होगा क्या जिसके, जिसके द्वारा वर्ण का उच्चारण होगा है उसको क्या बोलेंगे वचनम कहेंगे क्या कहेंगे वचनम वचन बचना जो है किससे होगा मालूम है किस धातु से ब्रिया धातु से होगा है व्यक्तायाम बाची ब्रू है ब्रू का ब्रू रहेगा आगे ल्यूट प्रत्यय किया तो यू को क्या होता है आदेश होना आदेश हो जाएगा योरा ना को लेकिन बच कहाँ से आ गया ब्रुव बची ही ब्रुवो बची से बच आदेश होगा तो बन जाएगा बचना सुनते हो इला बचनम फिर क्या करेंगे तत्व तो में दिया देखो मुखनाशिका वचनम अस्य ठीक है देख रहे हो आप लोग क्या यार मुखनाशिका मुखनाशिका हो गया उच्चरित स्थान क्यों हुआ कि नहीं हुआ है मुखनाशिका है उच्चरित स्थान है कि नहीं वो है जिस वर्ण का बबरी समाज कर दिया मुखनाशिका वचनम अश्य, कश्य वर्णस्य जिस वर्ण का किस में होगा केवल मुख में नासिका है ना मतलब मुख के साथ नासिका यदि उच्चारत हो उस वर्ण को क्या बोलेंगे अनुनासिक समझ में आया ये तात्पर्य इसलिए वृत्ति में दिया मुख सहित नासिका या उच्चार्यमाण वर्ण अवुनाशिक संज्ञा मूल में जो असिक संज्ञा हाँ इसका विग्रह को बता सकते हो विग्रह hmm? बताओ मूल में अनासिक संज्ञा ह हाँ। दिया है कि नहीं उसका विग्रह क्या होगा अनुनासिक अनासिक संज्ञा यस्य ऐसा होगा औनाशिक संज्ञा यस्य सह अनाशिका संज्ञा हो गया भोबरी समास हो गया और संज्ञा के आ को हर्ष हो गया तो क्या बन जाएगा अनाशिका संज्ञा हो गया <coughs> दरवाजा बंद कर दो तुम उधर जो करना करो अच्छा <laughs> भाई आगे देखो मूल में आश्य भवम आश्यम तत्वनी में मूल बोल दिया है ना क्योंकि मूल में दिया है ना हम क्या दिया था मूल में तद इथम नहीं ये तो मूल में चलेगा पहले पहले मूल लो तद इथम अठर प्रकार है ना मूल में देखो सोलह नंबर अ ई ओ री एसाम वर्णान प्रत्येकम अष्टादश वेदा अटर वेद हो गया कि नहीं स्वर वर्ण के किस किस के हो गए ओके के ऊ के री के प्रत्येक कितने कितने होंगे अठारह अठारह हो जाएंगे नहीं अच्छा ली वन से द्वादश और वर्ण के कितने होंगे बारह बोल दिया <coughs> बारह क्यों होगा दीर्घ दीर्घा रि बनों का क्या नहीं होता है दीर्घ नहीं होता है नहीं एच द्वादश एच एच कौन है ए, -गो। ए, -गो। ए, -गो। ए, -गो। ए -गो। एज वर्णों का बारह भेद होगा क्यों अटर क्यों नहीं हुआ तेसाम हर्षा उनका हर्षो नहीं होता है, है नहीं? हर्षा नहीं होता तो क्या होगा फिर दीर्घ होता है प्लुत दीर्घ के कितने भेद होते हैं तीन होते हैं छः नहीं होते हैं मिला करके और प्लुत के छः छः छह हो जाएगा नहीं इसलिए दीर्घ का जो जो ए ए ओ आयो है ना हमेशा हर्ष उच्चारण नहीं करना चाहिए जैसे भंडारे में लास्ट में क्या बोलते हैं ओम नमः पार्वती बोलते हैं ना हाँ है ना उच्चारण करिए विष्णु जी हाँ हर हरा कि हरा हरा हाँ जो बोल ले हो हर हरा और छूट <छुड़ी> जाता है <laughs> फिर एक बार बोलिए शुद्ध बोलो ओम पार्वती हर हर अंत में छोड़ दिए महादेव तो महा हा आ में आ दीर्घ है आ दे में वो भी दीर्घ है वो भी दीर्घ है और अंत में अ हर्ष है उस अंत में हर ओकार भी तो है ना और पार्वती पता ये वहाँ पर ही गलती करते लोग पता ये कोई की पता है हाँ यह यही बोलते ये को छोड़ देते दिल्ली तरफ के लोग हम्म नहीं हरा हरा पहलेम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव आगे फिर हरा हरा नहीं है नहीं। नहीं। <coughs> देखो ठीक है यहाँ तो हो गया आगे स्वर्ण संज्ञा करता है भैया तुल्यास्तनम सवर्णम बोलो तल्वा आदि स्थान माभ्यंतर प्रत्नश्च तल्वा यस्य येन तुल्यं तन्नमिता सवर्ण संज्ञा स्यात् हमह इसावना संज्ञा करता है है ना हां बन्न की सवना संज्ञा हो जाएगी तुल्यास प्रत्न बोल दिया है ना हाँ तो क्या क्या समान हो बोल देगा स्थानम बोल दिया क्या कह दिया है तालुवादि स्थानम ये जो सूत्र में आस्य शब्द आया क्या शब्द आया आस्य आस्य शब्द मतलब क्या है देखो नीचे दिया है तत्व में सत्र नंबर पृष्ठ में भवम इति आस्यम कि नहीं मिला तो आस्य जानते हो क्या होता है आस्य आस्य क्या होता है आश्चर्य क्या होता है हैं देखो जिसमें वर्ण का उच्चारण होता है खुला है ना हाँ उसको कहते हैं आश्चर्य औसु छेपण धातु होता है क्या धातु होता है औसु छेपणे है ना अश्यंति प्रकाशंते वर्णा इति आस्यम ठीक है श्य प्रकाशंते वर्णा आस्यम ठीक है धातु क्या है अस दंत सकारियत प्रत्यय करो कौन सा प्रत्यय रिहलोत से ऋण्यत प्रत्यय करोगे लिखो फटाफट अस प्लस क्या है य प्लस य नहीं य में अभी है, है? तो औस के औकार को क्या हो गई आयुष क्या हो गई बताओ वृद्धि हो गई औ तो वृद्धि हो गई तो आस हो गया आस प्लस आस प्लस ये तो क्या बन गया आस्य बन गया बन गया तो आस्य का क्या अर्थ हुआ स्थान मतलब मुख मुख हो गया हास्यकार तो मुख हो गया नहीं उसके बाद है आस्यकार तो मुख क्योंकि मुख में तो वर्ण का उच्चारण होगा ना फिर दिया है तत्वी तो में शरीरा यत यत प्रत्यय कर दिया आस्य शब्द से यथ प्रत्यय किया लिखो आश्य हम्म यथ प्रत्यय कर दिया ना क्या प्रत्यय किया? प्रत्य किया है ना का अर्थ भव मुख मुख में होने वाला मुख में क्या होता है तो स्थान होता है हो गया पहला तो का अर्थ क्या है बोलो मुख और मुख में जो होने वाला है उसको भी आस्य बोल दिया कैसे होगा तो आस्य शब्दों से यत प्रत्यय करो लिखो आस्य प्लस यत यत का क्या रहेगा प्लस तो में जो अंतिम औकार है ना अंतिम औकार का क्या होगा लोप होगा किससे हाँ ऐसा बोलो मसंग तो ही जाएगी है ना थी सूत्र से औकार का लोप होगा औकार का लोप हुआ औकार का लोप होने पर सकार उत्तरवर्ती कौन सा बनना है यकार नहीं यकार के पर में क्या बनना है कपिल जी हम्म दो यकार है ना <laughs> यकार है कि नहीं ठीक है हाँ तो ये यक, यकार है यकार का लोप हो जाएगा मालूम है किससे लोप होगा ये बोल सकते हो हाँ बोलो बोलो वही सूत्र है हाँ यम हलो यमाम यमी लोप है ना तो सकार हो गया हल सकार हो गया हल हल के पर में जो यकार है उसका लोप हो जाएगा हलो यमाम यमी लोप से लोप हो गया तो क्या बन गया आश्य लिखा है न शरीर अवयवादयत सूत्र है ना यत् प्रत्यय यत् प्रत्यय करने वाला है ना आयुष तत्व तो 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 में दिया है शरीरावय शरीर का अवयव कौन है मुख मुख है कि नहीं है तो मुख है ना और उसमें कौन रहता है स्थान रहता है रहते नहीं रहता है इसलिए यत् प्रत्यय हो गया तो पहला आस्य का अर्थ हो गया मुख और फिर दूसरा जो अर्थ किया आश्य का अर्थ क्या हुआ फिर अभी स्थान हो गया स्थान हो गया इसलिए मूल में दिया है तालवादी स्थानम ये तालवादी स्थानम है कि नहीं तालवादी स्थान कहने से तो शुरू कहाँ से हुआ तालु से हुआ कि घंटा से हुआ मूल में देखो तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रत्यय समान हो तो क्या होगा सावना संज्ञा होगी बराबर है हाँ और कंठ नहीं छूट गया क्या कह रहे हो पहला स्थान कंठ होता है कि तालु होता है कौठा होता है तालु तो है ही नहीं पहला स्थान क्या है कंठ तो तालु आदि करने से कौन छूट गया हाँ कंठ छूट गया कि नहीं छूट गया तो जहाँ पर कंठ होगा उसकी सावना संज्ञा नहीं होती है हाँ क और खाओ में समान संख्या होगी कि नहीं होगी नहीं। होगी तो फिर वहाँ पर नहीं होनी चाहिए इसका समाधान क्यों बोल सकते हैं पहले बताए थे हा? बोल सकते हैं बोल सकते हैं नहीं हा? कल विचार करेंगे रहने दो <laughs> ज़्यादा होने से माता गर्म होगा <laughs> ओम नृता ने सतराज राजनाथ ना पंच उदात काम सनकादि सिद्धांत